प्यारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। अज आपां 6वीं जमात की पंजाबी पाठ पुस्तक पहली भाषा विच्चों पाठ 9वां जिसका नाम थाल है पढ़ांगे। बच्चे यह एक लेख है। यह लेख पंजाबी सभ्याचार नूं अपनियां रचनावां द्वारा जिउंदा रखण वाले पंजाबी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान सरदार सुखदेव माधपुरी जी द्वारा कलमबंद किया गया है। इस लेख विच लेखक ने अलोप हो रही पुरातन लोक खेड थाल नूं बड़े ही सुंदर शब्दों विच बयान किया है। अज दी इस वीडियो विच आपां पाठ की रीडिंग करांगे अते औखे शब्दों के अर्थ भी नालों नाल तुहानूं दस्से जाणगे। आओ शुरू करदे हां। थाल पंजाबी कुड़ियां दी हरमन प्यारी लोक खेड है। आम तौर पर बचपन नूं टप के जवानी दीआं बरूहां ते खड़ियां मुटियारां इस खेड नूं बड़े चाअ नाल खेडदियां हन। उंज नवव्याहीआं वहुटियां भी अपनियां ननाणां अते भैणां नाल रल के थाल पाउंदियां हन। इह खेड आम करके दुपहर समय खेडी जांदी है। बालड़ियां कुड़ियां भी अपने निक्के वीरां भैणां नूं खिडाउंदियां होईआं गीटियां दी खेड दे नाल नाल इह खेड खेडण लग पैंदियां हन। यह खेड घरां दे दलाणां विच खेडी जांदी है। हरमन प्यारी लोक खेड दा अर्थ है सब नूं प्यारी लगण वाली लोक खेड। बरूहां दा अर्थ है हद्दां। नवव्याहीआं वहुटियां दा अर्थ है न्यूली मैरिड लेडीज़। बालड़ियां कुड़ियां दा अर्थ है छोटियां बच्चियां। गीटियां दा अर्थ है रोड़ियां जां मार्बल दी खेड। दलाना दा अर्थ है वेड़ियां। थाल सत्तां तैयां वाली लीरां दी धागियां नाल गुंदी हुई गेंद नाल खेडे जांदे हन। इस गेंद नूं खिद्दो जां खेनू भी कहा जांदा है। इहदे खेडण दा तरीका बहुत ही सौखा ते सरल है। इह खेड कई कुड़ियां रल के खेडदियां हन। उंज गिनती ते कोई पाबंदी नहीं। आम तौर ते इक तों वध कुड़ियां इह खेड खेडदियां हन। इह खेड बहुत दिलचस्प है। एक कुड़ी एक हत्थ नाल खिद्दो नूं हवा विच उछालदी है, फिर उह सज्जे हत्थ दी तली ते बोच के उस नूं इकहरे ताल नाल अपनी तली नाल बार बार भड़काउंदी हुई नालों नाल थाल दे बोल बोलती है। दूजियां कुड़ियां उस वल उत्सुकता नाल वेखदियां हन। उन्हां दी निगाह बुड़कदी हुई खिद्दो ते टिकी हुंदी है। खिद्दो बुड़कन तों भाव खिद्दो दे टप्पे मरवाउणा है। मतलब कि पहलां कुछ कु लीरां इकट्ठियां करके एक तरह का गोला जिहा बना लिया जांदा है अते फिर इस गोले नूं धागियां नाल टाइट करके गोल गेंद बना ली जांदी है जिस दी मदद नाल इह खेड खेडी जांदी है। ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜਦਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਤਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਸਾਨ। ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਸਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਿਦ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਦਿਲਚਸਪ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਥੇਲੀ। ਨਿਗਾਹ ਮੀਨਸ ਨਜ਼ਰ। ਬੁੜਕਦੀ ਖਿੱਦੋ ਮੀਨਸ ਬਾਉਂਸਿੰਗ ਬਾਲ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਥਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ बिना रुक के दूजे थाल दे बोल बोले जाते हैं। इस तरह दूजे पिछों तीजा ते तीजे पिछों चौथा ते इंज थाल ते थाल बोले जाते हैं। जे सज्जा हाथ थक जावे तां खब्बे हाथ दी तली नाल खिद्दो भड़काउण दा सिलसिला जारी रहिंदा है। थालां दी गिनती नालों नाल कीती जाती है। जिथे भी खिद्दो डिग पवे उत्थे ही खेडण वाली कुड़ी दी हार हो जाती है ते अगली कुड़ी थाल पाउणे आरंभ कर दिंदी है। इसे तरह बारो बारी सारिया कुड़ियां थाल पाउंदियां हन। अखीर विच सारिया कुड़ियां दे थालां दी गिनती कीती जांदी है। जिस कुड़ी ने सब तो वध थाल पाए होण उस कुड़ी नूं जेतु मन्निया जांदा है। तली दा अर्थ है हथेली। सिलसिला जारी रहना दा अर्थ है लगातार चलदे रहना। थालां दी लंबाई विच थोड़ा बहुता ही अंतर हुंदा है। इह गीत खिद्दो दी गति अनुसार एक खास सुर ते ताल ते गाए जांदे हन। थाल पाउंदियां कुड़ियां दी उम्र बचपन ते जवानी दे विचकार होण करके उन्हां दा संसार अपने भैण भरावां भरजाइयां अते माँ बाप दे आले दुआले ही उसरिया हुंदा है। इसलिए उह अपने थालां दे गीतां विच उन्हां दा जिक्र बार बार करदियां हन। वीरां लई भैणां दा डुल डुल पैंदा प्यार झलकदा है। अपने माँ बाप प्रति मोह का प्रगटावा करदियां कुड़ियां दे बोल हवावां विच मोह मुहब्बतां दी सुगंधी खिलार देंदे हन। खिद्दो दे बुड़कण अथवा टप्पा लाउण नाल ही थाल दे बोल सुनाई देंदे हन। थाल आरंभ हुंदा है। थाल 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 माँ मेरी दे लम्मे बाल। प्यो मेरा शाहूकार। शाहूकार ने बाग लवाया। अंदरों पानी रुड़दा आया। रुड़ रुड़ पाणियां में दानियां। सुरमा पावां कज्जल पावां। पावां फुल गुलाब दा। भाभी मेरी जुल्फां वाली। वीर मेरा सरदार। आल माल होया बीबी पहला थाल। पहला थाल मुक्कण दे नाल ही दूजा थाल शुरू करदी हुई भैण अपने वीर नूं याद करदी है। कोठे उत्ते गन्ना। वीर मेरा लम्मा। भाबो मेरी पतली। जीदे नक मछली।
ਆਲ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਦੂਜਾ ਥਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਥਾਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਲਣੀਆਂ ਰਬੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਥਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਾਪਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਡ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।